अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो गाइस, आज मेरा नाश्ता करने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा था, मैंने सोचा ग्रीन टी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रीन टी बना रही हूँ, लेमन फ्लेवर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ग्रीन टी इज़ सो रिफ्रेशिंग। तो यहाँ पर मैं ग्रीन टी बनाती हूँ, वो इन्जॉय करते हैं। तो ग्रीन टी पीने के बाद हम लोग जाएंगे थोड़ी सी बेसिक सी ग्रॉसरी शॉपिंग करने। तो मम्मा को थोड़ी चीज़ें लेकर आनी थी, फिर हम लोग वहाँ जाएंगे। तो हम अपनी सोसाइटी की मार्ट में ही आ गए थे क्योंकि हमने मंथली ग्रॉसरी तो नहीं लेनी थी, बस बहुत बेसिक सी चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी बस वो ही लेनी थी। तो मम्मा सेट के यहाँ पर चलते हैं, यहाँ से मिल जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पर आके अब थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं। तो सुबह का टाइम था, इतना रश भी नहीं था, बहुत ही सुकून से हम लोग अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे थे। तो पहले तो मैंने हैंड कैरी ले लिया था, मुझे लगा था कि उसमें चीज़ें पूरी आ जाएंगी, बट बाद में मुझे ट्रॉली लेनी पड़ी क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। तो इस सेक्शन से हमारी जो ग्रॉसरी शॉपिंग है वो हो गई कंप्लीट। अब हम लोग जाएंगे बेसमेंट में, वहाँ पे हमने थोड़े से वेजिटेबल्स लेने हैं, मम्मा ने घर के लिए सब्जियाँ वगैरह लेनी है। तो वो नीचे उनकी बेसमेंट पे है, वहाँ पे चलते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग अपना बिल वगैरह क्लियर करवा के फिर नीचे चलते हैं। सो गाइज, हम आ गए हैं बेसमेंट। तो यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स लेने हैं, बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाते हैं यहाँ पे, अपनी मर्ज़ी से आप लोग ले लो, अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लो। और ख़वातीन को और क्या ही चाहिए अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ सिलेक्ट करने के अलावा। तो मम्मा जो है यहाँ पर आती हैं अक्सर टू चूज़ वेजिटेबल्स। तो बस सामान हमने गाड़ी में लोड करवा दिया है, अब हम लोग घर चलेंगे। तो मम्मा आज बनाएंगी आलू बैंगन। मम्मा बहुत ही प्यारे प्यारे से बैंगन लेकर आई हैं, तो मम्मा को वो मैं दे रही हूँ ताकि वो काट लें। और ये सब चीज़ें हम लोग ग्रॉसरी के साथ साथ तो मस्ट हो जाती हैं ना, अपनी स्नैक्स वगैरह। तो बस ये चीज़ें हम लोग लेकर आए थे। और उसके बाद जी पार्सल आ गया था मेरी सिस्टर का, अब मैं उसको पार्सल ऊपर देने जा रही हूँ। तो बस आजकल गैस का इतना मसला चल रहा है कि आ ही नहीं रही है, तो ना खाना बनता है ना कुछ और हम बना सकते हैं, सारा दिन गैस होती ही नहीं है। तो हमने बाहर से फिर बिरयानी मंगवा ली क्योंकि भूख सबको लग रही थी। तो साथ शामी थे और साथ बिरयानी थी और रायता और सैलेड भी था साथ ही। तो गाइस, शाम को गैस आ गई थी, तो मम्मा ने सोचा मैं शाही दाल बनाती हूँ, साथ रेसिपी भी रिकॉर्ड करेंगे। तो आपके साथ मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी फुल कंप्लीट रेसिपी, शाही दाल किस तरह से बनती है। तो बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े की बनती है, ये उसकी कंप्लीट लुक है। और आपके साथ कंप्लीट रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी विद इन वन और टू डेज़।
सो गाइस, जैसे आप सबको पता होगा कि आई हैव जस्ट हिट माई 500 YouTube सब्सक्राइबर्स और माई चैनल, तो उसके लिए ये मेरी सिस्टर जो है एक छोटा सा सरप्राइज मीठा लेकर आई थी, सो वी विल इन्जॉय इट एज वेल। तो बहुत ही मज़े के ये मूस केक थे, एंड छोटे छोटे सेलिब्रेशन जो हैं वो आपको करनी चाहिए साथ साथ लाइफ में। ये दोनों फ्लेवर्स बहुत ही ज़्यादा यम्मी थे, एक लोटस था और एक चॉकलेट था, चॉकलेट फज, तो दोनों ही फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा मज़े के थे। तो साथ ही हमने फ्राइज जो है वो बनाना स्टार्ट की और हम लोग एक तरफ चाय बना रहे थे, देन वी विल इन्जॉय आवर टी टाइम एज वेल। मामा और पापा इतनी स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पीते, तो उनके लिए मैंने यहाँ से निकाली है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी और पत्ती डाली है ताकि हम लोग सारे पी लें, हम लोग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पीते हैं मैं और मेरी बहनें। तो गाइस, मेरी चाय भी बन गई है, मेरे फ्राइज भी बन गए हैं। अब इसके बाद मैं सबको चाय सर्व करूँगी, फ्राइज भी साथ खाएंगे। चाय इन्जॉय करने का मतलब ये नहीं होता कि सब ने अपने अपनी चाय पकड़ी और पी ली, नो। एक फैमिली में चाय का टाइम एक ज़रूर होना चाहिए, टी टाइम शुड बी मस्ट, बिकॉज आप लोग अपने किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आगे का प्लान क्या है। फैमिली में ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस चाय जो है हम लोगों ने इन्जॉय किया, उसके बाद हम लोग भाई वॉक करने निकल गए हैं। सो गाइज, दिस वॉज इज फ्रॉम टूडेज वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आई विल सी यू पीपल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।